स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नाक में से खून क्यों आता है, यानी कि नाक में से ब्लीडिंग क्यों होती है। जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं बहुत सारे अपने आसपास के बच्चों को देखती थी कि उनको ये प्रॉब्लम्स होती थी नकसीर की, ठीक है, नोज ब्लीडिंग होने लग जाती थी। तो अक्सर ये जो चीज़ होती थी ये गर्मियों के दिन में होती थी, तो टीचर्स कहते थे कि ये गर्मियों की वजह से हो जाता है। और रियली ये गर्मियों के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है, नकसीर ब्लीडिंग होने लग जाती है नोज़ में से। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है, बॉडी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेचर जो होता है आपके दिमाग पर चढ़ जाता है, और वो जो टेम्परेचर होता है, वो जो आपकी बॉडी की गर्मी होती है, उसकी वजह से आपकी नोज़ में ब्लीडिंग होने लग जाती है। एक्चुअली नोज़ जो है, हमारी नोज़ का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इस वजह से नोज़ में ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ की स्किन होती है। नकसीर के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले कारण को जानते हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके कारण को सबसे पहले जानना चाहिए। जब आपको उसका कारण पता होगा तभी आप उस चीज़ को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ज़्यादा गर्मी होना, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है एनवायरनमेंट का, आपकी बॉडी में भी फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो गर्मी जो आपके दिमाग पर चढ़ने लग जाती है, और जिसकी वजह से आपकी नोज ब्लीडिंग होती है। सबसे पहला कारण ये हो गया। और इसके अलावा आपकी इंटरनल वेसल्स का भी कारण हो सकता है कि शायद, क्या पता, आपकी इंटरनल वेसल्स जो होती हैं, जो नस नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से ब्लीडिंग हो रही हो, वो डैमेज हो गए हों किसी वजह से, जिसकी वजह से आपकी नोज में से ब्लीडिंग हो रही है। तो इंटरनल जो वेसल्स हैं यहाँ के, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसका अगला कारण है साइनस। साइनस को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं साइनोसाइटोसिस, ठीक है, साइनोसाइटोसिस। साइनस की प्रॉब्लम होती क्या है, जो आपकी नाक की हड्डी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में ही है तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उपाय करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ दवाइयाँ खाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, तो कई बार इसका ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो साइनस की प्रॉब्लम में आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे जुकाम है, और आपको इसे पानी वगैरह से परहेज करना चाहिए, ज़्यादा बारिश में भीगना नहीं चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब आप छींकते हो, जैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली जगह पर चले गए, बहुत ज़्यादा आपको छींक आ रही है, तब भी नोज़ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्योंकि आपकी जो नोज़ की स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत ज़्यादा छींकने की वजह से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक कारण है ब्लीडिंग का। इसके अलावा नाक को ज़्यादा रगड़ते रहने की वजह से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की डिसीज़ है, जैसे कि मलेरिया या फिर टाइफाइड, ऐसे डिसीज़ के दौरान भी आपको नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको किसी भी कारण में घबराना नहीं है। अगर मलेरिया या फिर टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम है आपको और नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, तो वो इसकी अलग से दवाई भी देंगे, आपको ऐड करेंगे। और बाकी जो जितने भी मैंने कारण बताए, अगर उनकी वजह से हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उसका समाधान करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। अब ये प्रॉब्लम जैसे गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि गर्मी ज़्यादा हो जाने की वजह से, टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है, या फिर नकसीर कह सकते हैं आप इसको। अगर आपको फर्स्ट एड देना है, यानी कि जैसे ये प्रॉब्लम होती है स्टार्ट, आपकी नोज़ ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, आपको सबसे पहले अपने सिर को ठंडा कर लेना है ठंडे पानी से, और अगर आपके पास आइस क्यूब प्रेजेंट है तो उससे आपको क्या करना है, नोज़ के पार्ट पर रब करना है। 2-3 मिनट तक आप वहाँ पर रखोगे लगाकर, तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। और अगर एक चीज़ और है जो होम रेमेडी है, उसमें है प्याज का रस। अगर आप प्याज के रस को अपने नोज़ के ऊपर लगाते हो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, क्योंकि जो प्याज का रस होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और प्याज के रस के अलावा प्याज की अगर स्मेल भी आप लेते हो तो वो भी फायदेमंद होती है। तो अगर आपको पता है कि हाँ गर्मी की वजह से हो रही है, तो आप ये सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और नोज़ ब्लीडिंग से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपको टाइफाइड है या फिर किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा नाक को ज़्यादा रगड़ेना, क्योंकि मैंने बताया कि स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जो इंटरनल वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नोज़ ब्लीडिंग क्या होती है, उसको कहते हैं नकसीर कहते हैं, और इसका कारण क्या हो सकता है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।